एक बार दैत्यों के आचार्य शुक्र को अपने शिष्यों यानी दानवों की पराजय देखकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने तपस्या के बल से देवों को हराने की प्रतिज्ञा की। वे अर्बुद पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहां उन्होंने भूमि के भीतर एक सुरंग में प्रवेश कर शुक्रेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक षोडशोपचार से वे भगवान शिव की अर्चना करने लगे। अनाहार और एकाग्र चित्त होकर वे बेहद कठिन तप करने लगे। इस प्रकार तप करते करते जब उन्हें 1000 वर्ष बीत गए, तब महादेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे द्विजोत्तम, मैं तुम्हारी आराधना से परम संतुष्ट हूं। जो वर मांगना चाहो मांगो। शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदि तुष्टो महादेव विद्याम देहि महेश्वर यया जीवन्ति संप्राप्ता मृत्युम संख्येपि जन्तवः। हे महेश्वर महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो विद्या दीजिए जिससे युद्ध में मरे हुए प्राणी भी जीवित हो जाएं। भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाली तथा मृत प्राणी को भी जीवित कर लेने की शक्ति वाली संजीवनी विद्या वर के रूप में उन्हें प्रदान की और कहा कि तुम्हें और कुछ मांगना हो तो वह भी मांग लो। तब शुक्राचार्य ने कहा, प्रभो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो इन शुक्रेश्वर का भक्ति पूर्वक अर्चन करे उसे अल्प मृत्यु का भय कभी ना हो। महादेव ने तथास्तु कहकर कैलाश की ओर प्रयाण किया। वर के प्रभाव से शुक्राचार्य युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे, जिससे दैत्यों को पराजित करना देवों के लिए कठिन हो गया। इस शुक्र तीर्थ में पितरों की श्राद्ध आदि क्रिया करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। यहाँ स्नान करने से एवं शुक्रेश्वर के अर्चन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अल्प मृत्यु का भय कभी नहीं होता। उसे इस लोक में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, सुख मिलते हैं और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त कर शिवगणों के साथ आनंद भोगता है।